वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिफाइन किया जाता है। देखो, एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स एंड emits radiations of all wavelengths and frequencies is called black body, and radiations emitted by such a body are called black body radiations। आ रही है बात समझ में? एक ऐसी बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सभी टाइप के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले या एमिट कर दे। सभी टाइप के मींस सभी टाइप की वेवलेंथ या सभी टाइप की फ्रीक्वेंसीज के जो रेडिएशंस हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर ले या एमिट कर सके, ऐसी बॉडी को, ऐसी आइडियल ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? ब्लैक बॉडी बोला जाता है। और ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस एमिट करती है ऐसे रेडिएशंस को बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब देखो, जनरली जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट रेडिएशंस डाले जाते हैं, रेडिएशंस मीन सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम स्ट्राइक करवाते हैं तो उसका कुछ पार्ट ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। आ रही है बात समझ? कुछ पार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ पार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट में से आर पार निकल जाते हैं। आ रही है बात समझ में? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम रेडिएशंस डालते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं, तो कुछ रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ वो रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ उसमें से ट्रांसमिट हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, ठीक है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी किसी भी टाइप की वेवलेंथ के रेडिएशंस की परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है और परफेक्ट एमिटर होती है, मतलब सभी टाइप के रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि ब्लैक बॉडी है इस पे मैं डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन गिराता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन डाले हैं, और अगर ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ब्लैक बॉडी है, तो ये इन सभी रेडिएशंस को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इन सभी रेडिएशंस को ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। आ रही है बात समझ में? तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऐसा ऑब्जेक्ट होती है जो किसी भी रेंज की वेवलेंथ की रेडिएशन गिरा दो उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। आगे देखो, अब जब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगी तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे ही ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अब ये जो ब्लैक बॉडी है ये क्या करेगी? रेडिएशंस एमिट करेगी। इन एमिटेड रेडिएशंस को क्या बोला जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जाता है। इन एमिटेड रेडिएशंस को क्या बोला जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आ रही है बात समझ में? और जो एमिटेड रेडिएशन है वो भी किसी भी वेवलेंथ और किसी भी फ्रिक्वेंसी के हो सकते हैं, मतलब ब्लैक बॉडी किसी भी फ्रिक्वेंसी किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है और किसी भी फ्रिक्वेंसी किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या कर सकती है? एमिट कर सकती है। क्लियर है बात यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है
उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आ रही है बात समझ में? जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी किस पर? ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आ रही है बात समझ में? टेम्परेचर बढ़ाने पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, या बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या फिर रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। आ रही है बात समझ में? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम जानते हैं एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होती है। अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दैट मीन्स उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है? कम होगी। आ रही है बात समझ में? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्या एग्जांपल है देखो, ध्यान दो। आयरन की रोड, ये क्या है? एक आयरन रोड है और इस आयरन रोड को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, मतलब इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब देखो आयरन की रोड को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होता है? अगर किसी ने देखा हो तो इनिशियली जब गर्म करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। और ज्यादा गर्म करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। और ज्यादा अगर गर्म करते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आयरन का कलर चेंज होना किस बात को बता रहा है? देखो उसको समझते हैं अपन। उससे पहले एक चीज देखो, कोई भी कलर या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से कौन से रेडिएशन? विजिबल रेडिएशन एमिट होते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे कि तुम मुझे देख पा रहे हो, तो मुझे कैसे देख पा रहे हो? मेरा कलर देख पा रहे हो, उसका मतलब क्या है? मैं मेरी स्किन के कलर के रेडिएशंस क्या कर रहा हूँ? एमिट कर रहा हूँ। और वो रेडिएशन कौन से रीजन के रेडिएशन है? विजिबल रेडिएशन है। आ रही है बात समझ में? विजिबल रेडिएशन से 7 टाइप के कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, कौन कौन से कलर होते हैं वो मैंने तुम्हें बताया हुआ है विजिबल स्पेक्ट्रम के थ्रू। एक बार फिर बताता हूँ, विप्योर। ठीक है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम मैंने बताया था। इस स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर जो है उसके लिए क्या बताया था मैंने? उसके लिए बताया था, इसके लिए लेमडा क्या होता है? मिनिमम होता है, मतलब वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। दैट मींस वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? और रेड कलर के लिए मैंने बताया था, विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और वेवलेंथ मैक्सिमम है इसका मतलब रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम। ठीक है, अब देखो रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, जब इस तरफ से ये विजिबल स्पेक्ट्रम बढ़ता है रेड से ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। आ रही है बात समझ में? अब जब आयरन को हमने हीट किया तो इसका कलर क्या था? रेड। जब ये हमें रेड दिखाई दे रहा था तो क्यों दिखाई दे रहा था? आयरन की रोड जो थी वो रेड कलर के लाइट रेडिएशन एमिट कर रही थी, इस वजह से हमें उसका कलर क्या दिख रहा था? रेड दिख रहा था। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, बाद में कलर येलो हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ा? फ्रीक्वेंसी बढ़ी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ के कौन से कलर की हो गई? येलो कलर की, मतलब आयरन की रोड अब कौन से कलर के रेडिएशन एमिट कर रही है? येलो कलर के रेडिएशन को एमिट कर रही है, इसलिए हमें कौन सा कलर दिखाई देता है रोड का? येलो कलर दिखाई दे रहा है। और ये भी क्लियर हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। ठीक, अब और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो फिर येलो कलर से अब वो कौन सा कलर दिखाई देने लगता है? ब्लू कलर। इसका मतलब जो आयरन की रोड है वो कौन से रेडिएशन एमिट कर रही है? ब्लू कलर के रेडिएशन एमिट कर रही है। और हमें पता है
येलो कलर से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? ब्लू कलर की होती है। इसका मतलब जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस बॉडी के जो एमिटेड रेडिएशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना बोल लो या फिर वेवलेंथ डिक्रीज होना बोल लो, बात एक ही है। आ रही है बात समझ में? तो आयरन रोड को जब हीट कर रहे हैं तो पहले रेड कलर होना, फिर येलो कलर होना और फिर ब्लू कलर होना, ये किसको बता रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एमिटेड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।